नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरा लाल। हम लोग सुबह 3:30 बजे के आसपास जगे। अपने रेस्ट हाउस से कुछ दूर पैदल चलने के बाद ऑटो रिक्शा मिल गया। उसने थोड़ी देर में सरस्वती घाट पहुंचा दिया। घाट पर कुछ लोकल लोग खड़े मिले, कुछ हमारे पास दौड़े आए संगम ले जाने के लिए। पूछने लगे संगम पहुंचने के लिए, कोई 800 रुपए मांगा तो कोई 900 रुपए। आखिर में 600 रुपए में हमने भाड़ा फिक्स किया। दो आदमी को चप्पू से बोट को चलाना था। घाट के किनारे से नीचे तक उतरे बोट पर चढ़ने के लिए। अंधेरा काफी था, यमुना नदी दूर दूर तक अंधेरे में नजर भी नहीं आ रही थी। कुछ डर भी लग रहा था, बहुत ही चौड़ी नदी थी। बोट वाले ने लालटेन जलाई और धीरे धीरे नाव को दोनों आदमी चप्पू से चलाने लगे। यमुना के खुले विस्तार में हवा भी बहुत चल रही थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी। जनवरी का महीना था। शायद 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा। बोट वाले से मैंने किनारे किनारे ले चलने के लिए कहा। कुछ ही देर में थोड़ा उजाला हुआ। सूर्यदेव धीरे से बादलों से बाहर निकलने को थे। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको इस कुंभ मेले के बारे में बताता हूँ। कुंभ मेला या कुंभा मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ और त्योहार है। पारंपरिक रूप से 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को कुंभ मेले का श्रेय दिया जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में दार्शनिक चर्चा और बहस के लिए प्रमुख हिंदू सम्मेलनों को शुरू करने में उनके प्रयासों के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। हालांकि 19वीं शताब्दी से पहले कुंभ मेला नामक सामूहिक तीर्थ का कोई ऐतिहासिक साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में वार्षिक माघ मेले के बारे में 6 या 12 वर्षों के बाद समय समय पर होने वाले बड़े समारोहों के बारे में पर्याप्त सबूत हैं, जहां तीर्थयात्री भारी संख्या में एकत्र होते थे और जहां एक अनुष्ठान में एक नदी या पवित्र सरोवर में पवित्र डुबकी शामिल थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है और हरिद्वार में महाकुंभ मेला 12 साल बाद होता है। कुंभ मेला हर 3 साल में प्रयागराज, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, हरिद्वार गंगा जी का तट, नासिक में गोदावरी नदी का तट, उज्जैन में शिप्रा नदी का तट पर आयोजित किया जाता है। 12 साल के अंतराल के बाद फिर से 4 स्थानों में से प्रत्येक में कुंभ मेला लगता है, जबकि एक अर्ध कुंभ यानी आधा कुंभ मेला उसी स्थान पर लगभग 6 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। सन 2019 की शुरुआत में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया था। अगला पूर्ण कुंभ मेला सन 2025 के लिए निर्धारित हुआ है। कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित है। इससे दुनिया भर में कुंभ के महत्व का पता चलता है। कुंभ मेला न केवल पवित्र नदियों के पानी में
एक डुबकी लगाने तक सीमित है, बल्कि यह कई मेलों, शिक्षा, संतों के धार्मिक प्रवचनों, भिक्षुओं और गरीबों के सामूहिक भोजन और मनोरंजन के साथ साथ सामुदायिक व्यापार का उत्सव भी है। कुंभ मेले के दिनों में देश विदेश के लाखों तीर्थ यात्री पवित्र नदियों के तट पर आते हैं और डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पापों से मुक्ति मिल सके। यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक रुझूमों में से एक है। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में और इसके बारे में बताता हूँ कि विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत के अनुसार कुंभ का पौराणिक महत्व देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है, जो अमूल्य रत्न या आभूषण और अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को ऐसा श्राप दिया जिससे कि वे अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवतागण भगवान विष्णु की मदद के लिए गए, जिन्होंने समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। अमृत का कुंभ समुद्र के मंथन से निकली 14 चीजों में से एक था। अचानक से यह कुंभ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा छीन लिया गया और इधर उधर उड़ने लगा। इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में गिर गई। इन चार स्थानों पर उस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अद्वितीय ज्योतिषीय सर्वेक्षण यानी अलाइनमेंट में पहुंच गए थे। ऐसा माना जाता है कि इन बूंदों ने इन स्थानों को रहस्यमय शक्तियां दी, जिसके दौरान इन स्थानों पर आज भी कुंभ मेला आयोजित होता है। इन स्थलों के बारे में इनकी पवित्रता, स्नान, तीर्थ यात्रा और वार्षिक उत्सव का उल्लेख प्राचीन पुराणों और महाकाव्य महाभारत में मिलता है। मंदराचल पर्वत घूमने वाली छड़ी बन जाता है और नागराजा वासुकी ने रस्सी का काम किया। स्वयं भगवान विष्णु ने कसावा या कछुए का रूप धारण किया और पहाड़ मंदराचल के लिए आधार प्रदान किया, इस डर से कि कहीं वह फिसल ना जाए और समुद्र में डूब ना जाए। यह कहानी दरअसल हमारे दिमाग में अपने आप को गहराई तक जानने के लिए मंथन का प्रतीक है, जहाँ से सभी शक्तियाँ और शुभ चीजें उत्पन्न होती हैं, जो अंततः मुक्ति या अमरता की ओर ले जाती है। इन 12 वर्षों में गरुड़ द्वारा अमृत की बूंदें जिन चार स्थानों पर छलकी थी, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन, और उस समय इन चार स्थानों पर सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अद्वितीय ज्योतिषीय सर्वेक्षण यानी अलाइनमेंट में पहुंच चुके थे, जिसके दौरान इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। भगवान बृहस्पति ने सूर्य पुत्र भगवान शनि और चंद्रमा की मदद से अमृत कुंभ को राक्षसों द्वारा क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। पूर्ण या अर्ध कुंभ के लिए सटीक तिथि और स्थान हिंदू लूनी सौर कैलेंडर पर आधारित है और यह वृषभ राशि में बृहस्पति ग्रह के प्रवेश से निर्धारित होता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। क्या सुंदर नजारा था, मैंने कुछ फोटोज ले डाली, बाद में शायद ही ऐसा मौका मिले। यही था गोल्डन आवर जो फोटोग्राफर्स के लिए होता है। मैंने कई फोटोज ले लिए, अब तक सुबह सूरज निकल चुका था। कुछ
और अंधेरा छटने के बाद संगम नजर आने लगा। बहुत सारी छोटी छोटी नावें एक कतार में खड़ी थी, हमारी तरह कुछ अपने लिए स्थान खोज रही थी। खैर, कुछ नावों पर आपको वहाँ के पंडित भी नजर आ जाएंगे, जो आपको नाव के लिए जगह भी देते हैं। हमारी नाव भी कतार में लगा दी गई। चारों तरफ कुछ कुछ कोहरा था, सूर्य देव बादलों और कोहरे में से नजर आ रहे थे। नाव ऐसे लगी थी कि तीन चार नावों के बीच की जगह में संगम का पानी नजर आ रहा था। हम लोगों को पंडित जी ने फटाफट संगम में डुबकी लगाने को कहा। नाव से सीढ़ी से नीचे उतरे, यह क्या, सिर्फ घुटने तक पानी था। शुरू में बहुत ठंडा लगा, लेकिन एक डुबकी के बाद सब अच्छा लगने लगा। हम लोगों ने डुबकी के बाद जल्दी से कपड़े पहने और पंडित जी ने वही नाव पर पूजा अर्चना करवाई। तब तक 7:30 बज गए थे। दूर तट पर बहुत भारी भीड़ थी। अभी चले ही थे कि तट से डुबकी लगाने का शोर आने लगा। शायद शाही स्नान शुरू हो गया था। महाकुंभ में 4 शाही स्नान होते हैं और वैष्णव अखाड़ों और शैव अखाड़ों आदि के रूप में लगभग 13 अखाड़े इसमें भाग लेते हैं। शाही स्नान के दौरान झांकी निकाली जाती है और इसमें नागा बाबा आगे आगे चलते हैं, जबकि महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नागा बाबाओं का अनुसरण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान शुरू होता है। पहला शाही स्नान होता है। साधारणतया कार्यक्रम ऐसे होता है, जनवरी मकर संक्रांति पर, फरवरी मौनी अमावस्या पर, फरवरी बसंत पंचमी पर, फरवरी माघी पूर्णिमा पर, मार्च महाशिवरात्रि का पहला शाही स्नान होता है, अप्रैल सोमवार यानी सोमवती अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होता है, अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अप्रैल बैसाखी तीसरा शाही स्नान होता है, अप्रैल की रामनवमी और फिर अप्रैल की चैत्र पूर्णिमा को चौथा शाही स्नान होता है। वापसी में फिर कुछ फोटो लिए।
तुम मिलेंगे तो रोटी ले लेंगे। खत्म नहीं हुई है, और एक और चोट लगा दी। इलाहाबाद में कुंभ मेला वर्ष के 11वें महीने यानी माघ में आयोजित किया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का एक महीना है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी या फरवरी से संबंधित है। माघ मेला प्रयाग में हर साल आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। विभिन्न राशियों में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति किस अवधि में किस स्थिति में रहते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कुंभ मेले के लिए तिथियां और स्थल सभी चार धामों के धार्मिक अधिकारियों की आपसी सहमति से तय किए जाते हैं। सामान्य कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। अर्ध यानी आधा कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और अलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, जो ग्रहों की चाल के आधार पर चारों स्थलों में से किसी एक पर होता है, जैसे प्रयागराज यानी अलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेला प्रयाग में 144 वर्षों यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में मनाया जाता है। अब थोड़ा राशियों की स्थिति और कुंभ मेले के बारे में बताता हूँ। जब बृहस्पति एक्वेरियस या कुंभ राशि चक्र में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि चक्र में, तब कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति टोरस या वृष राशि चक्र में और सूर्य और चंद्रमा कैप्रिकॉर्न या मकर राशि चक्र में होते हैं, कुंभ का आयोजन प्रयाग में होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती नदियों के संगम। जब बृहस्पति लियो या सिंह राशि चक्र में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में, तब कुंभ मेला नासिक और त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। चूँकि बृहस्पति सिंह राशि में हैं, इसलिए कुंभ त्र्यंबकेश्वर और नासिक और उज्जैन में आयोजित
किया जाता है। इसे सिंहस्थ कुंभ के रूप में जाना जाता है। करीब 1.5 घंटा लगा वापस सरस्वती घाट पहुंचने में, बाकी समय घूमने फिरने में और लोकल साइट सीइंग में लगा दिया। तो ऐसी थी हमारी कुंभ मेले की यात्रा। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है ना।